हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फरहान खान। मैं आज ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे कमेंट्स करे जा रहे हैं, जैसे कि भाई रिजल्ट कब आएगा। वो बहुत बहुत मैं समझ सकता हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, रिजल्ट बस आपका होल्ड पर है। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा मैं करेक्ट डेट एंड टाइम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, आपका रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकता है। तो फाइनली मैं बताऊँगा आपका कब तक आएगा रिजल्ट, और काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ठीक है। और आपका ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी वगैरह की कट ऑफ क्या रहने वाली है, आज मैंने फाइनली सब कुछ एनालाइज करके आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि एमयू से रिलेटेड कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ या फिर एमयू से रिलेटेड कोई भी नोटिस आए उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, उसका अपडेट आप तक पहुँचे। चलो मैं बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आपका यही डाउट है कि रिज़ल्ट कब आएगा। देखिएगा, रिज़ल्ट आपका मैक्सिमम मैक्सिमम 5 डे लेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका रिज़ल्ट मतलब लेट नहीं होगा, ठीक है। ये तो आपका रिज़ल्ट का रहा। और आपके अंदर ये होगा कि मतलब काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो देखिएगा मेरे भाइयों, जो आपकी काउंसलिंग है वो मैं मतलब एनालाइज़ किया हूँ, जैसे कि लास्ट ईयर भी क्या था, रिज़ल्ट के 15-20 दिन बाद काउंसलिंग हुई थी। तो इस बार भी आपकी 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में आपकी मतलब काउंसलिंग होगी, ठीक है। ये आपकी काउंसलिंग होगी, तो ये आपकी काउंसलिंग होगी। और एडमिशन आपका कब होगा, तो एडमिशन भी आपका देखिएगा, एडमिशन आपका 25 और 30 नवंबर के बीच में एडमिशन होना है, ठीक है। ये रहा आपका एडमिशन का, ठीक है। क्लास आपकी 1 दिसंबर से, आई थिंक फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे दिसंबर के, ठीक है। अब देखिए काउंसलिंग कैसे होगी, आप लोग पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। काउंसलिंग आप ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर दीजिए, काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। आप लोगों को अलीगढ़ नहीं आना होगा अभी, ठीक है। आप अपने घर से कर देंगे ऑन, ठीक है। तो अब बात कर देते हैं, सबसे पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत टेंशन में है ना, इसलिए कट ऑफ के लिए ऊपर मैंने ये वीडियो बनाना चाह रहा था, मकसद मेरा कट ऑफ का था। देखिएगा, बीएससी की जो कट ऑफ रहने वाली है ना, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल की, किसकी, एक्सटर्नल की, ठीक है। कितना रहेगा, अगर आपके 28 से 30 मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपकी थोड़ी बहुत बेटिंग आएगी 28 वालों की, लेकिन हाँ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका सेफ स्कोर है। इंटरनल इंटरनल की बात कर लेते हैं, बीएससी इंटरनल की बात कर लेते हैं, बीएससी इंटरनल की बात कर लेते हैं। चलो, अगर आप इंटरनल हैं तो आपके 22 से 24 है ना, तो आपकी बेटिंग आएगी थोड़ी बहुत, क्लियर हो जाएगी। मतलब ये आपका सेफ स्कोर, मतलब एडमिशन आपको मिल जाएगा इतने पे, ठीक है। बस मोटा मोटा हिसाब को एडमिशन लेना है तो एडमिशन इतने पे मिल जाएगा। चलो बात कर लेते हैं बीए की, ठीक है। बीए की अब हम बात करते हैं, बीए बीए की बात हम कर लेते हैं। देखिएगा, बीए की सबसे पहले एक्सटर्नल की बात करता हूँ, ठीक है। अगर एक्सटर्नल हैं आप, तो आपके 30 के लगभग हैं ना नंबर, मार्क्स 30 के नंबर अप्रोक्स आ रहे हैं आपके, तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और भाई इंटरनल की बात कर लेते हैं, तो इंटरनल की बात हम कर लेते हैं, बीए इंटरनल, ठीक है। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, बीए इंटरनल हैं आप, अगर आपके मार्क्स 25 के लगभग आ रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम की, बात कर लेते हैं बीकॉम की, ठीक है। बीकॉम की थोड़ी हाई रहती है बीए, बीए और बीएससी से। अगर आप एक्सटर्नल हैं, आप एक्सटर्नल हैं, तो आपके 35 से 40 के बीच में, ठीक है, ये आपके बीच में आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इंटरनल इंटरनल स्टूडेंट आपके अगर 30 नंबर आ रहे हैं, इंटरनल स्टूडेंट अगर आपके 30 के लगभग आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये रहेगा बी कॉम का। अब बात कर लेते हैं बीएलएलबी की, बीएलएलबी की बात कर लो। चलो, बीएलएलबी का इस बार पेपर थोड़ा हार्ड था, तो बीएलएलबी की एक्सटर्नल की बात कर लो। सबसे पहले एक्सटर्नल का आपका 45 से 50 रहने वाला है, ठीक है, ये था आपका एक्सटर्नल का। चलो इंटरनल की बात कर लेते हैं, इंटरनल की बात कर लेते हैं, इंटरनल अगर आपके 35 से 37 के बीच में नंबर है, तो आप टेंशन मत लीजिए, इंशाल्लाह आपको मेन कैंपस मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका बीए, बीकॉम और बीएससी और बीएलएलबी का। अब देखिएगा, 11th वालों को मैं बता दूं,
अगर आप 11th का दिए हैं ठीक है, आपके मार्क्स अगर आप एक्सटर्नल हैं ठीक है, और आपके मार्क्स 45 तक आ रहे हैं ठीक है, तो आपको किसी ना किसी में दाखिला मिल जाएगा ठीक है। मतलब आपको मतलब किसी ना किसी में मिल जाएगा दाखिला, मतलब डिप्लोमा में तो 100% मिल जाएगा ठीक है। और बात करो 11th में, अगर आप एक्सटर्नल हैं और आपके 50 के अप्रोक्स मार्क्स आ रहे हैं, कितने 50 के अप्रोक्स आ रहे हैं, तो आपको दाखिला हो जाएगा 11th में ठीक है एक्सटर्नल का। इंटरनल की बात कर लेते हैं, अगर आप इंटरनल हैं, इंटरनल वो आपके 40 से 45 के बीच में आ रहे हैं, तो आपका 11th में दाखिला हो जाएगा ठीक है, 11th में दाखिला हो जाएगा। वही डिप्लोमा की बात कर लेते हैं इंटरनल स्टूडेंट की, देखो इंटरनल स्टूडेंट की डिप्लोमा की बात कर लो ठीक है, अगर आप डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो आपके 30 से 35 हैं, तो इंशाल्लाह आपका दाखिला हो जाएगा ठीक डिप्लोमा में। ये रहा आपका कट ऑफ और एंट्रेंस जो रिजल्ट की डेट के बारे में, ये सारा वीडियो रहा आपका। अगर फिर भी आपके अंदर कोई डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आपको अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, तो आप मुझे वहाँ पे हमसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है। आपको कोई टेंशन मतलब कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ एडमिशन टाइम तक आपके साथ हूँ ठीक है। मैं ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूँ ठीक है, मेरा और कुछ वो नहीं है, बस मेरा यही है कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन जो हो रहा है ना इस काउंसलिंग लास्ट ईयर से ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे हैं ना परेशान रहते हैं क्या करना है कैसे करना है। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना, फ़ौरन मुझे उसी वक्त आप मैसेज करके पूछ सकते हैं ठीक है। चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।